ये पहले बार कमलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। तो दोस्तों ये अभी अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, जो एक बाबा जो है गाना गाए हैं, ये मतलब कि स्टूडियो में गाना गा रहे हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर ये गाना जो है ट्रेंडिंग चला, तो सोचा कि मैं भी आप लोग के सामने थोड़ा सा गुनगुना दूं, थोड़ा सा मदहोश कर दूं आप लोग को भी। और इस वीडियो में तो बात होने ही वाली है कि अभी भी मैं देख के आ रहा हूं घर का कॉल बॉय है, ठीक है, इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था सारी चीज आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आप ये वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको टाइम बचाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भाई लोग, एक और भी आपको न्यू चीज दिखाता हूँ, एक न्यू चीज आप लोग के लिए बनाकर लाया हूँ, वो भी देखिए, ठीक है। चल भाई एआई, चल इंट्रो दे। Hello guys, welcome to our channel Roasting Review. And don't forget to subscribe this channel and also follow me on Facebook and Instagram to get more videos like this. AI द्वारा ये इंट्रो बनाया गया है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को ये कैसा इंट्रो लगा, ठीक है, और कुछ भी चेंजिंग करना है तो वो भी बता दीजिए, इसमें चेंजिंग भी हो सकता है। AI द्वारा ये जनरेटेड किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा लगा, मुझे लगा कि तो कल ही थोड़ा ये सीख रहे थे कि AI से भाई लोग कैसे ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने क्या किया ये सब तो बाद में बताएंगे यार। चलिए अब जिस वेब सीरीज के लिए आए हैं उस पर पहले प्रकाश डालते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका व्याख्या करते हैं, उसका आलोचना करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो अब AI बोल दिया है भाई, वो कितने मस्त लड़की है, वो बोल दी है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेलघंटी को प्रेस कर लीजिए, वो बोली है तो कुछ सुने कीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी अभी देख के आ रहा हूँ घर का कॉल बॉय, इसमें तीन एपिसोड देखने को मिलते हैं, तीनों में महाबकचोदी वाला सीन इसमें देखने को मिलता है, कोई भी में अच्छा खासा सीन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, दो तीन जगह सीन देखने को मिलता है, तीन एपिसोड में दो तीन जगह सीन देखने को मिलता है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा ये वेब सीरीज लगा, ठीक है। मुझे तो कतई ये अच्छा खासा नहीं लगा, ये प्राइम प्ले वालों के साथ क्या पता क्या हो गया है। देखिए इस महीना भी नहीं, अगले महीने से ये जो कुछ है हम लोग को सुधार करने को देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तीन तीन ऐप जो लॉन्च कर दिए थे, जिसके कारण से जो बेशरम ऐप थी ना उसी में ये लोग फंसे हुए थे, जिसके कारण से अच्छा खासा सीन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो एक महीना तो भाई साहब और भी लगेगा, उसके बाद देखिए कि इसमें सीन जो भी अब प्राइम प्ले हुआ या हंटर हुआ, हंटर पर तो अभी सहारा वेब सीरीज आई थी, उसमें अच्छा खासा सीन देखने को मिल नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉल घर का कॉल बॉय मैंने देखा, मैंने कहा कि ये सर कैसा वेब सीरीज है यार, दो तीन जगह थोड़ा खो मोड़ा सीन दिखाया जा रहा है, वो जो भारती झा को लिया गया है और भी उनके साथ दो तीन एक्ट्रेस है, उसमें थोड़ा सा मतलब कि थ्रेसम वाला सीन दिखा दिया गया है, फिर से वो जो उसकी बहन की जो शादी हुई मतलब कि करती है, तो उसके साथ उसके भाई जो है उसको भी खुश करता है, कॉल बॉय रहता है तो उसको भी खुश करता है, और कॉल बॉय का काम ही है भाई साहब दूसरे को खुश करना, तो वहां पर यही सारा सीन, पहला सीन दूसरा सीन और तीसरा सीन, एक किसी कंपनी में काम कर रहा होता है और वहां पर मतलब ये कॉल बॉय के थ्रू ये काम करता है, जिसके जिसके हस्बैंड, जिसके जिसके पति, जिसके जिसके बॉयफ्रेंड किसी भी गर्लफ्रेंड को या फिर अपने वाइफ को खुश नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये जो कॉल बॉय का काम है उनको खुश करना और उनसे पैसा लेना, जितना बड़ा डिमांड होगा उतना ज्यादा खुशी मिलेगी, उतना ज्यादा चरम सुख मिलेगा, ऐसा इस वेब सीरीज को बनाया गया है। लेकिन सीन के मामले में हम लोग को तो भाई स्टोरी भी अच्छा खासा चाहिए, यूनिक स्टोरी चाहिए, तो यूनिक स्टोरी की बात करूं तो नंबर वन है, कुछ अलग हटके स्टोरी हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन सीन की बात करूं तो वहां पर भाई लोग ये मार खा जाता है, ये कचरे में डालने लायक है, इसको मतलब कि वन टाइम वॉच है, इसको एक टाइम मतलब देख सकते हैं, अदरवाइज इसको भी इग्नोर मार सकते हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बाकी आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए यदि देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी मार सकते हैं, अदरवाइज अब मैं क्या बोलूं यार, जितना उम्मीद लगा के रखा जाता है उससे ज्यादा साला ये घटिया निकल के आ जा रहा है। पहले प्राइम प्ले की अजीब बात थी, गजब बात था यार, अब देखिए ये सब क्या कर दिया। अब देखिए इसके बाद वाला मैं पहरेदार सीजन 4 भी आ रहा है, उसमें देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग क्या उम्मीद लगा के रखे हैं पहरेदार सीजन 4 के लिए, वो भी बताइए कमेंट में, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगा, आप लोग को बताइए अपना राय जो है, अपना जो ओपिनियन है, अपना जो विचार है वो प्रकट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा यार, अच्छा खासा वेब सीरीज रहता है तो उमंग रहता है, तो आदमी बोलता भी है, ठीक है, तो अच्छा लगता है। लेकिन इसमें हम लोग को उतना अच्छा सीन देखने को नहीं मिला। ओवरऑल की बात करूं, एक लाइन में व्याख्या करूं तो ये जो घर का कॉल बॉय है इसमें वन टाइम वॉच है, आप लोग एक बार जाकर देख सकते हैं, उसके बाद मजे नहीं मिलता है, मजा नहीं मिलता है। यूनिक स्टोरी के माध्यम से जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कुछ अलग हटके इसमें स्टोरी देखने को मिलता है, बस बात खत्म। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले हॉट यूनिवर्सिटी रिव्यू के साथ, नए अपॉइंटमेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, धन्यवाद। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। AI द्वारा मैंने आप लोग को बनाया, वो भी बताइएगा कमेंट में कि AI का जो वो बोल रही थी, ठीक है, वो कमेंट बताइए कैसा लगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।